पहला जो सोशल मूवमेंट है सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन है सस्टेन मीन्स ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता है शॉर्ट लिव नहीं होता है विच एम्स एट ब्रिंगिंग और रेजिस्टिंग या तो लाना कोई चेंज या तो किसी चेंज को रेजिस्ट करने के लिए आउटसाइड द स्वेयर ऑफ इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन जैसे आपके पॉलिटी वगैरह ये इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके बाहर काम करने के लिए कोई सोशल चेंज को रेजिस्ट करने के लिए या सोसाइटी में कोई सोशल चेंज को लाने के लिए ठीक है वो आपकी सोशल मूवमेंट्स होती है इसके एग्जाम्पल में आप गे परेड ले सकते हो या जो गे राइट मूवमेंट्स चलती हैं गे राइट्स मूवमेंट ठीक है movement, तो ये आउटसाइड ऑफ द ऑफ साइड इंस्टीट्यूशन थी क्योंकि इनके लिए कोई लॉज वगैरह या इनको ऐसी प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दी गई थी ठीक है तो इसी वजह से मूवमेंट चली सस्टेन्ड है काफी टाइम से चल रही है और ये लाना चाहती है सोशल चेंज सोसाइटी में कि इनकी एक्सेप्टेंस एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी की बढ़े और रेजिस्ट कर सके उस सोशल चेंज को जिसमें इनको काइंड ऑफ आउटकास्ट किया जाता है इनको एक इंक्लूसिविटी नहीं दी है नहीं दी जाती है सोसाइटी के थ्रू उसको रेजिस्ट करने के लिए उस चेंज को ठीक है तो ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएगा कि सोशल मूवमेंट्स क्या होता है अब देखो ये सोशल मूवमेंट है रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम और एंड हेड्स टोटली स्पॉन्टेनियस एंड एफर्मल कलेक्टिव एक्शन जो है उनको हम सोशल मूवमेंट नहीं बोल सकते एफर्मल कलेक्टिव एक्शन आपके जबकि शॉर्ट लिव टेम्पररी टाइप के होते हैं ठीक है शॉर्ट लिव वो आपके सोशल मूवमेंट्स नहीं होती हैं क्योंकि इनमें एक uh, सस्टेन्ड ये होता है कि सस्टेन करने चाहिए काफी टाइम तक और टोटली totally स्पॉन्टेनियस जो है वो भी आपके सोशल मूवमेंट्स नहीं होते हैं. देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आगे आप वर्ड देखो कि स्पॉन्टेनिटी जो है वो एक फीचर है सोशल मूवमेंट का अब सोशल मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होते हैं इनमें स्पॉन्टेनिटी होती है लेकिन ये टोटली स्पॉन्टेनियस नहीं होते इसका क्या मीनिंग हुआ ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी देखो स्पॉन्टेनियटी इस तरीके की होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम मी टू मूवमेंट ले लें हमें पता है मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ये हॉलीवुड से स्टार्ट हुई थी मी टू मूवमेंट एक एक्ट्रेस उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनने पहले मास मीडिया के थ्रू अपना जो सेक्शुअल हरासमेंट वाला केस है सेक्शुअल हरासमेंट इशू जो उनको हॉलीवुड में फेस करना पड़ा था वो उन्होंने सामने लेके आए थे वो ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ उनको ज्वाइन किया बाकी एक्ट्रेसेस ने भी अलग अलग कंट्रीज के उनने भी मी टू के बारे में बात की ठीक है और इंडिया में भी बॉलीवुड में भी काफी चला फिर कितना सक्सेसफुल रहा नहीं रहा वो सेकेंडरी चीज है लेकिन कहने का मतलब है हाँ एलिसा मिलानो एलिसा मिलानो इनका नाम था इनने क्या किया था इन्होंने ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया था जिस जिसमें इन्होंने अपना ऑडियल बताया था सेक्शुअल हरासमेंट को हॉलीवुड में जो फेस करना पड़ा और स्पॉन्टेनियसली इनको बाकी एक्ट्रेसेस ने भी ज्वाइन किया अगर हम बॉलीवुड की एग्जांपल लें तो बॉलीवुड में भी काफ़ी एक्ट्रेसेस जो है उन्होंने कैंपेन ज्वाइन किया तो जो एक्टर्स इसमें घुसे जो एक्ट्रेसेस इसमें घुसी सारी कैंपेनिंग में तो उनका जाना स्पॉन्टेनियस था क्योंकि वो कोई एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था उनका ठीक है कोई रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं डिफाइन किए गए थे फाइन जिसको स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनियसली उसको भी ये लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है मेरे जानने वाले के साथ हुआ है तो स्पॉन्टेनियसली उसने वो मूवमेंट ज्वाइन की ऐसा नहीं है कि पहले एक स्ट्रक्चर बना फिर रूल्स एंड प्रोसीजर्स फिर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो एक ऑर्गेनाइज वे में घुसे हों कैंपेनिंग में नहीं उनका ज्वाइनिंग जो था वो एक स्पॉन्टेनियस वे में था तो उसको हम इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसमें स्पॉन्टेनिटी होती है किसी हद हाँ तक ठीक है या जैसे आप वो रिवॉल्ट देख लो अरब स्प्रिंग मैंने आपको बोला मुस्लिम कंट्रीज मोस्टली ये हुआ था मुस्लिम कंट्रीज में टूनीजिया से स्टार्ट हुआ था ये असली एंटी करप्शन और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही थी और प्रो डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे स्ट्रगल हो रहा था और स्पॉन्टेनियसली फिर कुछ अलग अलग एक्शंस अलग अलग कंट्रीज में हुए जैसे लीबिया और कहाँ हुआ था ये बहरीन सीरिया इजिप्ट ठीक है ऐसी कंट्रीज ने भी स्पॉन्टेनियसली वहां पे कुछ अलग अलग प्रोटेस्ट होने लगे और उन्होंने स्प्रिंग को ज्वाइन किया तो जो इसके मेंबर्स हैं मूवमेंट के मेंबर्स हैं उनके ज्वाइनिंग में एक स्पॉन्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी ठीक है उसका मतलब होता है कि इसमें स्पॉन्टेनिटी होती है लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये टोटली totally स्पॉन्टेनियस नहीं होते जैसे टोटली totally स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप देख रहे हो एक क्राउड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वहां लड़ाई हो रही है तो लोग जाके बस देखना शुरू कर देंगे ना कि वो बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस है कोई एक ऐसा नहीं है कि कुछ आ, बैक एंड पे कोई स्टोरी चल रही है और फिर मेंबर्स स्पॉन्टेनियसली ज्वाइन करें नहीं वो सड़क पे जा रहे हैं देख रहे हैं क्राउड कुछ कर रहा है और जाके वहां पे तांका जहां करना शुरू हो जाते हैं वो भी स्पॉन्टेनियसली जाके उस पर रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। वो हमारे पास टोटल स्पॉन्टेनियस होता है सोशल मूवमेंट्स टोटली स्पॉन्टेनियस नहीं होते लेकिन स्पॉन्टेनिटी उनमें होती है ये कैसे होती है वो भी मैंने आपको बताया ठीक है थीके? जो कलेक्टिव एक्शन है मस्ट बी मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो जैसे अब मीटू की बात कर लें या हम ब्लैक लाइव्स मैटर भी जो हुआ था 2013 से अभी भी इनफैक्ट चल रहा है उस बारे में बात हो रही है जब किसी को शूट वगैरह किया गया था तो क्या हुआ था स्पॉन्टेनियसली इसमें लोगों ने ज्वाइन किया था लेकिन एक फाइनली इस टाइम पे एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में सारी चीजें चल रही हैं ठीक है या अगर गे परेड या जो गे मूवमेंट चली थी इनमें भी ज्वाइनिंग में इनमें स्पॉन्टेनिटी थी स्पॉन्टेनियसली लोगों ने ज्वाइन किया था लेकिन फिर एक ऑर्गेनाइज एक ग्रे लिब, गे लिबरेशन फ्रंट भी बना तो इसमें कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके कुछ डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप होनी चाहिए एंड अ स्ट्रक्चर जो डिफाइन करेगा हाउ मेंबर्स रिलेट टू तो ईच अदर डिसीजंस वगैरह कैसे वो लेते हैं सोशल मूवमेंट अराइज ड्यू टू सम लेटेंट नीड आल्सो ठीक है जो मैनिफेस्टेड नीड नहीं होगी जो हमें नहीं दिखता होगा लेकिन बैक एंड पे कोई एक अटेम्प्ट uh, होगा रेजिस्ट करने के लिए या ब्रिंग करने के लिए कोई सोशल चेंज दो फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स नेमली सस्टेन एक्शन होना चाहिए शॉर्ट लिव नहीं होना चाहिए एंड स्पॉन्टेनिटी ऑपरेट साइमल्टेनियसली फिर क्या स्पॉन्टेनिटी इसमें होती है ये भी मैंने आपको बताया टुगेदर ये डिस्टिंग्विश करते हैं सोशल मूवमेंट को बाकी कलेक्टिव एक्शन से फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स अब देखो इनमें स्पॉन्टेनिटी नहीं है ना क्योंकि वो जो ट्रेड वो सारे लेबर्स एक क्लास को एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो के रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं लेकिन जैसे हमने एग्जांपल ली गे मूवमेंट्स की ब्लैक लाइफ मेटर या मी टू मूवमेंट की तो इनको सोशल मूवमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो मेंबर्स है वो किसी एक क्लास कैटेगरी के नहीं है वो स्पॉन्टेनियसली इस चीज को ज्वाइन करते हैं ठीक है वो बाउंड नहीं होते हैं किसी रूल्स एंड प्रोसीजर से जब वो इस मूवमेंट में घुसते हैं तो जैसे ये कॉपरेटिव मूवमेंट चली जिसके अंडर फिर काफी ज्यादा कॉपरेटिव जो है स्टैब्लिश हुए वर्ल्ड वाइड ये सोशल मूवमेंट्स नहीं है क्योंकि इनका एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो कि नहीं रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग चलता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग चलता है ठीक है अब हम आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए मूवमेंट अब जो सोशल मूवमेंट है ये परमानेंटली नहीं चलेगी ना ये इसका कहीं बर्थ होगा कहीं इसका फिर एक डिक्लाइन पीरियड आएगा ठीक है ये कहीं पे फॉर्मल हो जाएगी और फाइनली ये डाई मतलब इट डाइज जो भी सोशल मूवमेंट होती है तो हमारे पास ये एक यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पहले सोशल मूवमेंट क्या करती है इमर्ज करती है किसी एक रीजन की वजह से ठीक है कोई एक चीज हुई जिसकी वजह से कोई स्टार्ट हुआ अपराइजिंग स्टार्ट हो गई तो ये होता है फर्स्ट स्टेज जहाँ पे इमरजेंसी और सोशल मूवमेंट होती है जिसके पीछे काफी ज्यादा कॉजेज हो सकते हैं कोलेस का क्या मतलब होता है ये एक कोहरेंट फॉर्म में आ जाती है फाइन अब लोगों को पता चलता है इसके कुछ फॉर्मल गोल्स वगैरह जो है ये अपना डिफाइन करना शुरू हो जाता है इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड आइडियल्स इसमें एक कोहरेंस आ जाती है मतलब एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है यहाँ पे तो सिर्फ अभी इवेंट हुआ है ना जिसकी वजह से वो अः कुछ चीजें हुई थी जिसकी वजह से इमर्ज होना स्टार्ट हो गई सोशल मूवमेंट यहाँ पे एक शेप लेना स्टार्ट होती है ब्यूरोक्रेटाइजेशन में क्या होता है अब जो मूवमेंट है इसके अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे रूल्स एंड प्रोसीजर्स ठीक है यहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लें तो ब्रह्मो समाज ठीक है ये पहले एक किन्नी एक काजेज की वजह से ब्रह्मो समाज को लेके आए थे ठीक है कोई जो चीज़ें सही नहीं चल रही थी सोसाइटी में राजा राम मोहन रॉय फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एक कोहरेंट फॉर्म में आने लगी अपने गोल्स एंड आइडियल्स जो है इसने कहा कि क्या फीचर्स होने चाहिए ब्रह्मो समाज के उसके बाद ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गई ठीक है ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गई इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गई उसके बाद क्या हो जाता है सोशल मूवमेंट का या तो वो सक्सेस फेस करती है या तो फेलियर कोऑप्टिशन मीन सिंपल टर्म में अगर जो उसका लीडर है वो काइंड ऑफ करप्ट हो जाए या दूसरी पार्टी दूसरी चीज़ों के साथ मिल जाए ये हो जाता है रिप्रेस इसको किया जाता है थ्रू स्टेट या जो पावरफुल अथॉरिटीज़ हैं वो उसको रिप्रेस करते हैं या मेन स्ट्रीमिंग की जो इसके गोल्स हैं जिनकी वजह से वो बना होता है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम जो स्टेट है वो गोल्स वो अडेप्ट कर ले ठीक है ये सारी चीजें हो जाती है और अल्टीमेटली क्या होगा इसका डिक्लाइन या तो सक्सेस हो गई फेल हो गई कॉपटेशन लीडर जो है वो इधर उधर चला गया या करप्ट हो गया रिप्रेस किया गया उसको स्टेट के थ्रू या इसके जो गोल्स हैं उसको स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया उसको नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है वो अब जनरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज बन गए जो इस सोशल मूवमेंट के थे और अल्टीमेटली क्या होगा डिक्लाइन तो ये स्टेजेस है यहाँ पे यहाँ पे यही सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताई ठीक है कन्वेंशनली अगर देखा जाए आइडियोलॉजी कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप है ये इनको वाइटल एलिमेंट्स बोला जाता है और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल मूवमेंट्स तो ये चीजें आप याद रख लेना क्योंकि यही आपके आंसर फॉर्म करने में हेल्प करता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कलेक्टिव मोबिलाइजेशन होनी चाहिए ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे ऐसा लगे तो ये ऐसी मूवमेंट हो जाए जब अरब स्प्रिंग हुआ था टूनीजिया में एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो वाइड लेवल पे काफ़ी लोगों को ऐसा लगना चाहिए ना कि कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसा नहीं है ना एक दो जनों को ऐसा लगा और आ, फाइनली जो है सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुई नहीं कलेक्टिव मोबिलाइजेशन के लिए एक कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए कलेक्टिव थाट प्रोसेस जो होगा वो सेम होना चाहिए फिर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी अल्टीमेटली बनना ही इसका जरूरी होता है एंड लीडरशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको गाइड और डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा इन मूवमेंट्स में तो ये वाइटल पार्ट्स होते हैं सोशल मूवमेंट के आगे देखते हैं कई थियरीज आई जिन्होंने एक्सप्लेन किया सोशल मूवमेंट को एक थियोरी है सोशल अनरेस्ट थियोरी जो किसे रिलेटेड है हर्बर्ट ब्लाम से इन्होंने इनका नाम आपने कहा सुना होगा जहां मैंने आपको मैंने कहा ये पढ़ाया है आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शन में ठीक है तो इंटरक्शन पर्सपेक्टिव के थिंकर थे

इन्वॉल्वमेंट uh, के बाद अगर थोड़ा फेज आ गया डिक्लाइन का उसके बाद या तो डेथ हो सकती है या तो उसकी रिजुविनेशन हो जाएगी वो सोशल मूवमेंट जो है फिर से आगे वो ग्रो करना शुरू हो जाएगी आगे तो देखते हैं रिलेटिव डिप्रिवेशन थेरी इसमें क्या होता है जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा रिलेटिव डिप्रिवेशन कि किसी एक चीज को किसी एक ग्रुप को डिप्राइव किया जाता है किसी चीज से उस दूसरे के कंपैरिजन में उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो इस वजह से क्या करते हैं एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट होती है जैसे बबर खालसा मूवमेंट ठीक है ये एक सिख मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो चाहते हैं खालिस्तान बनाना फाइन तो ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था उनको डिप्राइव किया जा रहा है अपने राइट्स और सिक्स को वो राइट नहीं मिल रहे हैं पंजाब में पंजाब बिगम सिख मेजोरिटी एरिया जो उनको मिलने चाहिए तो इसको इसकी एग्जाम्पल हम कहाँ लेते हैं रिलेटिव डिप्रिवेशन में स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियोरी नेक्स्ट दी थी हमें नील्स मेल्सर ने इनका ही कहना था जो अब ये है सोशल मूवमेंट्स है वो सिर्फ रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से नहीं होती हैं वो इस वजह से भी होंगी अगर कोई स्ट्रेन क्रिएट होगा वैल्यूज एंड स्ट्रक्चरल मींस के बीच में अब ये देख लो अगर इसके एग्जाम्पल हम इसमें दे दें जो गेर मूवमेंट्स चली ठीक है अब सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रही है इसकी वैल्यू सिस्टम में अब कहीं ना कहीं लोगों को एक्सेप्टेंस चाहिए एल जी लेकिन स्ट्रक्चर नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर वैसा नहीं बना है क्योंकि हमारे पास लॉज नहीं थे होमोसेक्चुअल्स के प्रोटेक्शन के लिए उनके एंटी ही गवर्नमेंट रही है और लोग भी एट अ सिविल सोसाइटी भी उसके एंटी ही हमेशा रही है तो ये एक स्ट्रेन था वैल्यूज और स्ट्रक्चर के बीच में विच डिड नॉट मीट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल वैसे नहीं चल रहा था जैसे लोग चाहते तो सोसाइटी ऐसे क्या करती है एक स्ट्रेन कॉन्फ्लिक्ट फेस करती है और कोशिश क्या होती है फिर एक मूवमेंट के थ्रू कि एक न्यू वैल्यू सिस्टम आ जाए जो पुराने को रिप्लेस करे और अल्टीमेटली हुआ भी ऐसा होमोसेक्शुअल्स के लिए फाइनली एक लॉ भी जो है वो लाया गया ठीक है तो ये एक्सप्लेन करेगा ये एग्जाम्पल बेस्ट इस चीज़ को जो यहाँ पे लिखी हुई है इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन आ जाते हैं सोसाइटी में इन्होंने ये भी कहा था सोशल मूवमेंट जो है ये साइड इफेक्ट्स होती है रैपिड सोशल चेंज का फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिज जो है उनको परमिट नहीं किया जाता है लेकिन कुछ केसेस हमें मिलेंगे जिसकी जो अभी भी इंटरकास्ट मैरिज पे बिलीव करते हैं ठीक है फाइनली ऐसा ऐसा क्या होता है ये जो इंडिविजुअल एक्शन है फॉर एग्जाम्पल पहले पाँच लोगों ने की एक सोसाइटी की दस लोगों ने की पंद्रह लोगों ने की ये इंडिविजुअल एक्शन ऐसा ऐसा कलेक्टिव एक्शन बनने के चांसेस होते हैं और वहां से हमारी एक सोशल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है फाइन और इन्होंने इसमें क्या कहा था कि मल्टी कॉजल थियरी दी थी कि सोशल मूवमेंट का जरूरी नहीं एक ही कॉज हो एक से ज्यादा कॉज भी हो सकता है तो तीन पॉइंट्स आप इसमें याद रख लेना स्मेल्सर की थियरी में स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियरी में कि पहला जो अगर स्ट्रेन आ जाता है नाम से आपको याद रहेगा वैल्यू सिस्टम में और नॉमेटिव स्ट्रक्चर में दूसरा अगर सोशल मूवमेंट जो है ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है रैपिड सोशल चेंज का इसमें इंटरकास्ट मैरिज की एग्जांपल याद रख लेना थर्ड पॉइंट याद रख लेना मल्टीकॉजल थ्योरी है कि मोनो एक ही रीज़न नहीं हो सकता है सोशल मूवमेंट का एक से ज़्यादा रीजन भी हो सकते हैं इन्होंने हमें कुछ स्टेजेस uh, दी थी सोशल मूवमेंट की क्या होती है और उन्होंने कहा था हर स्टेज जो है वो दूसरी स्टेज में कुछ वैल्यू डालती है ठीक है जैसे स्ट्रक्चरल कंडीशनस पहली फिर स्ट्रेन डेवलप होता है फिर जनरलाइज बिलीफ जो डिफ्यूज होते हैं सोसाइटी में वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर प्रोवाइड करते हैं और उन फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाता है अल्टीमेटली एक्शन के लिए लोग तैयार होना शुरू हो जाते हैं मोबिलाइज होना शुरू हो जाते हैं और सोसाइटी सोशल कंट्रोल वाया स्टेट एट्सेट्रा उनको वो कंट्रोल नहीं मिलता है इसकी वजह से फाइनली क्या होता है एक सोशल मूवमेंट जो है वो ऑरिजिनेट हो जाती है ठीक है अब इसमें क्या क्या याद रखोगे पहले नॉमेटिव स्ट्रक्चर वाली बात फिर साइड इफेक्ट ऑफ रैपिड सोशल चेंज वाली बात फिर मल्टी कॉजल और फाइनली इन्होंने स्टेजेस दिए थे और खास ये जो स्टेजेस हैं इसमें क्या होता है वैल्यू एडिशन हो जाती है ठीक है हर स्टेज दूसरी स्टेज में कोई वैल्यू एड करता है उसके बाद देखते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियोरी ठीक है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का सिंपल क्या मानना था कि आपको रिसोर्सेज भी चाहिए कोई सोशल मूवमेंट या लॉन्च करने के लिए सिर्फ कॉजेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है अगर रिलेटेड डिप्रिवेशन थियरी ने क्या कहा था कि अगर लोगों को लगेगा कि हम डिप्राइव हैं हम सर्टेन राइट्स तो सिर्फ वो फीलिंग होना ज़रूरी नहीं है आपको रिसोर्सेज चाहिए ठीक है वो रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ आपको ह्यूमन रिसोर्स आपको फाइनेंशियली साउंड होना पड़ेगा ठीक है तो काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी और जो आपके लिए जरूरी होंगी सोशल मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए वही चीज इसमें इन्होंने कही है ये डिस्टिंक्टली अमेरिकन वर्जन है ऑफ स्टडिंग द सोशल मूवमेंट ठीक है रिएक्शन टू द सोशल अनरेज थियरीज विच अटेम्प्टेड टू पोट्रेट सोशल मूवमेंट एज इन रैशनल वेंचर्स इसने गैप फिल करने की कोशिश की जो रिलेटेड डेप्रवेशन थियोरी की थी बाई प्रोवाइडिंग दैट अपार्ट फ्रॉम फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन रिसोर्सेज जो है वो इम्पोर्टेंट है टू वेज अवमेंट इन्हें आर्ग्यू किया था जो पार्टिसिपेंट्स हैं सोशल मूवमेंट के वो रैशनली बिहेव करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम आइडियोलॉजी एंड स्पिरिट इस सोशल मूवमेंट जो है उनको मटीरियल रिसोर्सेज की जरूरत होती है टू मेंटेन अ सस्टेन्ड एफर्ट क्योंकि हमें पता है सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन होता है ये तो काफी टाइम तक चलने वाला है तो अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी नहीं है या आपकी लीडरशिप नहीं है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी नहीं है लीडरशिप नहीं है आपके पास तो कैसे आप सस्टेन कर पाओगे लंबे टाइम के लिए तो फिर कुछ टाइम में फिजल आउट हो जाएगी सोशल मूवमेंट ठीक है तो इन्होंने रिसोर्सेज पे ध्यान दिया था तो क्या रिसोर्सेज कहा था इंपॉर्टेंट है जैसे लीडरशिप होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी होनी चाहिए ठीक है आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए आप में रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट इसमें आ जाएगा फाइनेंशियल रिसोर्स आपको जनरेट करने ह्यूमन रिसोर्स इसमें आ जाएगा ठीक है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एंड कैन यूज देम विद इन द अवेलेबल पोलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर उसमें आपको यूज कर पाने चाहिए जो आपका अवेलेबल पोलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर है देन इट इज मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव क्रिटिक्स ने कहा कि ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास ऐसी मूवमेंट्स भी रही हैं जो डिस्पाइट स्कार्स रिसोर्सेस रही हैं सक्सेसफुल रही है फॉर एग्जाम्पल ब्लैक राइट मूवमेंट एंड अरब स्प्रिंग ठीक है example, right Spring, वो डिस्पाइट अ रिसोर्स क्रच फिर भी वो मूवमेंट्स काफी चली थी और सोशल मूवमेंट्स के अगर आप ये देखोगे कि वो कौन उसमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो यूजअली उसमें जो पोअर पीपल या डिप्राइव सेक्शन होते हैं वही उसका पार्ट बनते हैं सोशल मूवमेंट्स का क्योंकि इन्हीं के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है जिसकी वजह से वो वेज करते हैं सोशल मूवमेंट्स तो ये इन्होंने क्रिटिक्स ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था रिवाइटलाइजेशन Rev थ्योरी ये ये ने दी थी इन्होंने कहा था दो सोशल मूवमेंट जो ये करते हैं एक्सप्रेस एक्सप्रेसैटिफैक्शन और डिसेंट अगेंस्ट द सिस्टम लेकिन ये एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव भी हमें प्रोवाइड करती हैं ठीक है इंडिया दे मे बी स्टार्टेड फॉर रिवाइटलाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम जो अंडर गोई विच इज अंडर गोइंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेन ठीक है तो इसमें भी आप एग्जाम्पल किसकी ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल अन्ना हजारे मूवमेंट जो हुई थी यहाँ पे वो एंटी करप्शन तो उसने आपको क्या किया था एक पॉजिटिव ये लुकआउट दिया था सोसाइटी के में जो स्ट्रेन हो रहा था करंटली जो फेस कर रही थी सोसाइटी उसको हटाने के लिए एक पॉजिटिव लुकआउट की बात की थी आगे देखते हैं थेरी ऑफ हिस्टोरिसिटी हिस्टोरिसिटी बेसिकली होता है किसी भी चीज की हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी क्या है तो ये एलन टोरेन ने दी थी इन्होंने कहा था कॉज जो है वो हिस्टोरिकल ऑथेंट वो लाइक करता है हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी में कि जो लोग और जो जगह है जहाँ पे ऑरिजिनेट हुई है मूवमेंट वो कितना जो है वो ऑथेंटिक है ठीक है तो टीके ओमेन ने भी इसके बारे में बात की है इंडियन सोसाइटी को लेके स्टेटस इनकंसिस्टेंसी थियोरी देखो अगर लोगों का जो रैंक है और स्टेटस डायमेंशन है उसके बीच में मिसमैच हो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाता है कि ये जॉब क्रांच इतना चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है इवन पीएचडी होल्डर्स जो है वो क्लास फोर पोस्ट जो निकलती हैं उनके लिए भी अप्लाई करते हैं ठीक है ऑल दो क्लास फोर पोस्ट में ये करना कोई मैं उस एंगल में नहीं बोल रही कि ये चीज़ बुरी है लेकिन अगर आपके पास डिग्री इतनी ज्यादा है आप ओवर क्वालिफाइड हो किसी भी पोस्ट के लिए क्लास फोर ना हो कोई भी पोस्ट के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हो पर फिर भी आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ रहा है तो एक इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है सोसाइटी में ठीक है ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट और एक डिसेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है आपकी सोसाइटी में तो ये भी रीजन हो सकता है ऑरिजिनेट होने का एक सोशल मूवमेंट आगे और भी चीजें बताई हैं ऑन द बेस ऑफ ऑरियंटेशन वैल्यू पावर एंड पार्टिसिपेशन ये टर्नर एंड क्लियर ने दिया था फर्दर हॉटन एंड हंट ने दिया है हमें छह टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट्स माइग्रेटरी एक्सप्रेसिव रिफॉर्मेटिव रेवल्यूशनरी रिएक्शनरी एंड यूटोपियन ठीक है माइग्रेटरी क्या होता है जिसमें लोग किसी एक पर्पज की वजह से या किसी इवेंट की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जैसे आपका जो वर्कर्स हैं ठीक है माइग्रेटरी वर्कर मूवमेंट वगैरह वो इसमें आ जाती है फाइन है इन्वायरमेंट की वजह से अगर माइग्रेट करना पड़ता है एक्सप्रेसिव मूवमेंट होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपना बिलीफ वैल्यूज वगैरह एक्सप्रेस करते हैं उस मूवमेंट के थ्रू इसमें आपकी एल जी बी टी क्यू वाली मूवमेंट्स आ गई या रिलीजस मूवमेंट्स भी हैं वो भी एक्सप्रेसिव हो सकती हैं रिफॉर्मेटिव होता है जो एक ग्रुप के मेंबर्स हैं एक सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए वो मूवमेंट्स आती हैं ठीक है वो उनको रिफॉर्म करने के लिए होती है जैसे ब्रह्मो समाज वगैरह रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते हैं जो बड़े मास स्केल की मूवमेंट्स होती हैं जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था एक रेवोल्यूशन आएगा प्रोलीटेरियन रेवोल्यूशन तो ये जो रेडिकल चेंजेस लाती है सोसाइटी में रिएक्शनरी मूवमेंट्स होती हैं जो बेसिकली आपको बोलती हैं कि रेस्टोर करो पुराना ऑर्डर पुराने ऑर्डर की तरफ वापस जाओ ये पॉजिटिव आउटलुकिंग नहीं होती हैं इसलिए इनको ग्रेसिव भी बोला जाता है यूटोपियन मूवमेंट होती है जो आ, किसकी तरफ ये करती है उनका पर्पज क्या होता है कोई एक आइडियलाइज्ड वर्ल्ड क्रिएट करना एक आइडियलाइज्ड क्रिएशन ऑफ ए वर्ल्ड जैसे कार्ल मार्क्स कप का की मूवमेंट को भी आप यूरोपियन बोल सकते हो इन अवे उन्होंने कहा था फाइनली क्या आएगा एक आइडियल वर्ल्ड आ जाएगा एडवांस कम्युनिज्म के रूप में जिसमें क्या होगा कंप्लीटली एक एलेटेरियन सोसाइटीज होंगी प्रेजेंट होगी और कोई हैव और हैव नॉट का वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा ठीक है फाइनली डेविड एबर्डले ने हमें क्लासिफिकेशन दी थी सोशल मूवमेंट्स की फोर टाइप्स में ये है वो ऑल्टरनेट रिडेम रिफॉर्मेटिव एंड रिवोल्यूशनरी ऑल्टरनेट होता है जो बिल्कुल इंडिविजुअल uh, लेवल की सोशल मूवमेंट होती है फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थ कंट्रोल ड्राइव जो चली थी लोगों को uh, आगा करने के लिए कि बर्थ कंट्रोल जैसी चीज होती है और उसके क्या बेनिफिट्स है उनके लिए ठीक है रिडेमटिव होता है खुद पे रिफ्लेक्ट करके खुद को चेंज करने के लिए जो मूवमेंट्स आती हैं है सोशल मूवमेंट रिडेम्पशन ठीक है वो मीनिंग है इसका रिफॉर्मेटिव होता है रिफॉर्म करने के लिए अगेन अगर कोई सोशल पॉलिटिकल सेटअप वैसा होगा जिसको आप स्लोली रिफॉर्म करना चाहते हो सोसाइटी की कुछ चीज़ों को जैसे ब्रह्म समाज रिवोल्यूशनरी होता है जो बिग मास स्केल की मूवमेंट्स होती हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें चेंज कौन होता है इंडिविजुअल या हर कोई और ये कितनी चेंजेस लाती हैं वो चेंज लिमिटेड होती है या रेडिकल होती है वो इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है तो इंडिविजुअल मूवमेंट uh, कौन सी होगी आपकी ऑल्टरनेट मूवमेंट ठीक है बर्थ कंट्रोल ड्राइव और रिटेम्शन मूवमेंट जैसे इजावा कम्युनिटी की इन्हें एग्जाम्पल दी है जो केरला में हुई थी अंडर नारायण गुरु वो क्या था जो कम्युनिटी के अंदर की प्रैक्टिस हैं सोशल प्रैक्टिस उसको चेंज करने के लिए मूवमेंट आई थी तो इंडिविजुअल इसको बोल सकते हैं क्योंकि हर किसी के लिए नहीं थी ये एक कम्युनिटी के लिए थी ठीक है रिफॉर्मेटिव मूवमेंट हो गई हर किसी के लिए होती है रिफॉर्म करने के लिए उनके जो सोशल जनरल सेटअप बना होता है सोसाइटी का या पॉलिटिकल सेटअप होता है उसमें चेंज लाने के लिए ठीक है और चेंज कितनी लाता है ये लिमिटेड चेंज होती है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल जो रशिया में बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था जिसने ओवरथ्रो किया था प्रेजेंट वहां की गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट को और किसके कौन सा सेटअप आया था कम्युनिज्म का अंडर लेनिन वी लेनिन ठीक है विलाडियम लेनिन के अंडर जो आया था तो रेडिकल चेंज से बड़े स्केल पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो आई थी फिर वो कम्युनिज्म कितना फैला था पूरे वर्ल्ड वाइड वो हमें पता है रिडम्पशन जो है वो ये करता है इंसान के अंदर के चेंजेस लाने के लिए पर्सनल कॉन्शियसनेस और एक्शंस ऑफ़ इंडिविजुअल मेंबर्स को चेंज लाने के लिए लेकिन वो चेंज बहुत बड़ी होती है तो उसको रेडिकल कैटेगरी में रखते हैं अल्टरनेट होता है इंडिविजुअल से बर्थ कंट्रोल ये सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए होगा तो ये लिमिटेड चेंज लाएगा ना ये हर किसी में चेंज नहीं लाएगा रिफॉर्मेटिव होती है जो सोशल पोलिटिकल uh, कुछ सेटअप्स को रिफॉर्म करे ऑल दो सबके लिए होता है लेकिन जो चेंज होता है इसका लिमिटेड होता है इसकी एग्जाम्पल हम ब्रह्म समाज को ले बोलते हैं तो ब्रह्म समाज ने चेंज लाने की कोशिश पर उसका इंपैक्ट जो था कितनी चेंज लाई वो लिमिटेड था क्योंकि कुछ-कुछ एरियाज -कुछ को ही टच किया था ठीक है तो ये हो गया आपका ये राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन जो है उसको भी अ परफॉर्मेंस मूवमेंट्स बोलते हो तो ये यहाँ पे ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन की एग्जांपल लिखी हुई है ठीक है फाइनली अल्टरनेट सोशल मूवमेंट्स उनका लिमिटेड इंपैक्ट होता है फॉर एग्जांपल बर्थ कंट्रोल ड्राइव्स तो आगे देखते हैं लीडरशिप हमें पता है लीडरशिप और आइडियोलॉजी दोनों है इंपॉर्टेंट चीजें सोशल मूवमेंट के लिए क्योंकि अगर लीडर ही नहीं होगा तो आपको डायरेक्शन कौन देगा और आइडियोलॉजी नहीं होगी तो सोशल मूवमेंट आप वेज किस बात पे करोगे कोई एक आइडिया तो होना चाहिए ना बैक एंड पे जिसकी वजह से एक सोशल मूवमेंट जो है वो ऑरिजिनेट होती है ये प्रिवेंट इन फ्रॉम बिकमिंग अ डेस्परेट अनरूली कलेक्शन ऑफ पीपल अदरवाइज ये क्या रह जाएगा सिंपली कलेक्शन ऑफ पीपल कोई गाइडेंस इसमें नहीं होगी ये हो गया लीडरशिप ये जो लीडरशिप है इनवॉल्व टू वे प्रोसेस लीडर जो होता है वो ट्राई टू लीड अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन और जो लीडर होता है इनकॉर्पोरेट भी करता है व्यूज एंड आइडियाज को ऑफ़ द पार्टिसिपेंट्स एंड आर्टिकुलेट सेम इन द प्रोसेस टू वे प्रोसेस है एक तो वो खुद लीडर क्या करता है लोगों के लिए कैसे अंडरस्टैंड करता है मासिस को उस पहले वो खुद अपने जो आइडियाज है वो कैसे अः उसको मासस तक पहुंचाएगा और खुद उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी सिचुएशन को लेकर सेकेंडली जो मासिस के आइडियाज हैं पार्टिसिपेंट के आइडियाज हैं वो भी इस मूवमेंट uh, में इनकॉर्पोरेट करेगा उनके आइडियाज <coughs> भी सोशल uh, अपनी जुम्मन मूवमेंट चलाई होगी उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा और आर्टिकुलेट करेगा प्रोसेस को एक शेप देगा तो इसलिए टू वे प्रोसेस बोलते हैं खुद भी अंडरस्टैंड करेगा सिचुएशन ऑफ मासेज और मासिस के जो आइडियाज है उसको भी इनकॉर्पोरेट करेगा अपनी मूवमेंट में आइडियालॉजी अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइडियलॉजी के बिना आप क्या करोगे फिर आइडियाज़ तो होने चाहिए ना पीपल फॉलो द लीडर बिकॉज ऑफ वट ही रिप्रेजेंट्स दैट इज द आइडियाज़ एट ही प्लेस बिफोर दैम लोग लीडर को फॉलो करते हैं उनके उसके आइडियाज़ की वजह से तो आडियलॉजी जो है प्रोवाइड्स ए ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ एक्श फ्रेम ऑफ एक्शन और कलेक्टिव मोबिलाइजेशन इन सोशल मूवमेंट मोबिलाइजेशन होगी ही आइडियालॉजी के बेसिस पे ठीक है आइडियोलॉजी जो है इंडिकेट द गोल मीन एंड फॉर्म्स ऑफ पार्ट प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप विज वी अदर ग्रुप्स ठीक है तो ये जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है आइडियोलॉजी इज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस थीम्स ऑफ मूवमेंट्स लाइक रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी क्लास कॉन्फ्लिक्टिले मिलेनेरियन थीम्स ये सारा आपके किस चीज़ से रिलेटेड है आइडियोलॉजी से मिलेनेरियन मूवमेंट्स हमें आगे पढ़ना है या आपको आगे समझ में आएगा ये क्या होता है हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स की देखो बेसिकली ओल्ड सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं वो मूवमेंट जो सेंटर अराउंड होती हैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पॉलिटिकल सेटअप जो होता है वो सेंट्रल होता है इसके मूवमेंट को वेज करने के लिए ठीक है जैसे इंडिया में जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है फ्रीडम मूवमेंट है वो सारा हम उसका मेजोरिटी ऑफ क्रेडिट किसको जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को ठीक है क्योंकि आईएनसी जो था वो काइंड ऑफ सेंटर था सारा उस मूवमेंट के वो मूवमेंट खुद ब खुद नहीं चल रही थी वो किसी ये जो सारी इंडियन नेशनल मूवमेंट चली थी विद फ्रे, द फ्रेम ऑफ पोलिटिकल पार्टीज चली थी इसी टाइम पे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टीज़ वगैरह वो सोशलिस्ट पार्टीज़ वो सारी भी आ गई थी सीन में ठीक है आरएसएस वगैरह ये सारा भी इसी टाइम पे जो है चल रहा था तो किन एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अराउंड ये सारा जो था सेंटर था लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट है ये इस वजह से नहीं होती उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता है खास उनका होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करना जैसे आपका एल जी बी टी क्यू या इन्वायरमेंट को रिलेटेड कोई मूवमेंट्स आती हैं तो वो सारी आपकी न्यू सोशल मूवमेंट्स होती हैं जो ऐसा नहीं है किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अराउंड सराउंडेड हो द्वित सर ने क्या लिखा है बुक में सिंस लेट नाइनटीन सिक्सटीज और सो स्पर ऑफ सोशल मूवमेंट्स हुआ है बढ़ गई हैं अ्रॉस द वर्ल्ड और इसमें डाइवर्सिटी है काफी जैसे स्टूडेंट मूवमेंट्स हो गए फेमिनिस्ट हो गई गे राइट मूवमेंट वगैरह तो न्यू सोशल मूवमेंट टोरेन ने क्वाइन की थी नाइनटीन सेवेंटी फाइव में इन्होंने कहा था दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट दे आर न्यू क्योंकि नए इशूज हैं नए ऑर्गेनाइजेश नई सोशल कॉन्स्टिट्यूंसीज है और नए मेथड्स भी हैं ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है ये क्लियरली सो इसमें री ऑर्गनाइजेशन ऑफ पावर रिलेशन जो था वो एज अ सेंट्रल गोल था दे फंक्शन विद इन द फ्रेम ऑफ पोलिटिकल पार्टीज एग्जाम्पल आई एन सी जो है लेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो कम्युनिस्ट पार्टी है ऑफ चाइना इट द चाइनीज

तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स और स्टेट की जरूरत पड़ती है अब कुछ देख लेते हैं आ, क्या बोला गया है इनके बारे में डिफरेंसेस के बारे में ओल्ड एंड न्यू की हेबर मास ने कहा था न्यू सोशल मूवमेंट्स में द न्यू सोशल मूवमेंट्स आर द न्यू पॉलिटिक्स विच इज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए लेकिन जो ओल्ड पॉलिटिक्स था किस पे सेंटर था इकोनमी पॉलिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी पे जो न्यू सोशल मूवमेंट थियरिस्ट जैसे फ्रैंक पार्किन वगैरह दे आर्ग्यू थे जो की एक्टर्स हैं मूवमेंट्स में वो भी डिफरेंट हैं पहले जो थे वो लोअर क्लासेस के मोस्टली थे और अब के जो हैं मासेस uh, वो कहां से आती है न्यू मिडिल क्लास है ठीक है उसमें आपके यूथ आर्टिस्ट स्टूडेंट्स मिडिल इनकम ग्रुप वगैरह आते हैं आगे देखते हैं प्राइमरी डिफरेंस जो है उनके गोल्स में है जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है वो सिर्फ फोकस नहीं करती है मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज पे जैसे इकोनॉमिक वेलबींग वगैरह उनका इशू होता है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स ठीक है नई नई चीज़ें जो आती है सोसाइटी में अदर लिबरल आइडियल ऑफ सोसाइटी जैसे गे राइट्स या पैसिफिजम ठीक है जो न्यू मूवमेंट्स है वो पुश इंस्टेड ऑफ़ पुशिंग फॉर स्पेसिफिक चेंजेस पब्लिक पॉलिसी में दे इम्फेसाइज सोशल चेंजेस इन आइडेंटिटी लाइफ स्टाइल कल्चर वगैरह ठीक है तो यहाँ पे आप एल जी बी टी की अगर दिमाग में रखोगे तो आपको समझना ईजी हो जाएगा मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स ऑफ ए न्यू ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स इज़ दैट देर प्राइमरीली सोशल एंड कल्चरल एंड ओनली सेकेंडरीली इफ़ एनी पोलिटिकल ठीक है वो सीख नहीं करती हैं टू टेक ओवर द स्टेट बट वर्क एट ए कल्चर लेवल टू बिंग द सोशल चेंज तो बेसिकली इनका सारा जो लेन देन है वो सोशल और कल्चरल चेंज के साथ होता है स्टेट का उनका पावर चीज़ें स्टेट और पावर इन चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है दे एम्प्लॉयड न्यू ऑर्गनाइजेशनल फॉर्म्स एंड मीन्स ऑफ मोबिलाइजेशन जैसे वो इसमें सोशल मीडिया का एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं

जैसे गे प्राइड मूवमेंट्स जो हमारी चलती हैं उसमें क्या होता है उसमें एक आ, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक कंक्रीट ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते हैं लूजली ऑर्गेनाइज है दुनिया के अलग अलग कोने से जो प्राइड मूवमेंट्स है वो आ, निकालते हैं प्राइड परेड्स जो है वो निकालते हैं दे मेथडोलॉजीज भी डिफरेंट एंड दे यूज अ वैरायटी ऑफ देम वो मेथड दे यूज मेथडोलॉजीज फ्रॉम पॉलिटिकल लॉबिंग टू सिट इन एंड ऑल्टरनेटिव फेस्टिवल्स वगैरह बट जो मोस्ट डिस्टिंगटिव फीचर है इनका इज दैट देर नॉन वायलेंट एंड सिम्बॉलिक डायरेक्ट एक्शन दे केम टू दे एम टू कैप्चर मॉरल हाई ग्राउंड एंड यूज अ मास मीडिया एक्सटेंसिवली तो सिम्बॉलिक डायरेक्ट एक्शन का होता है वो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं हो जाते फाइन तो ये हुआ आपका न्यू सोशल मूवमेंट्स जो है दे आर टेस्टिमनी दैट वाइल फेथ इन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स इज वेनिंग सिटीजनस जो है दे आर राइजिंग देम सेल्स टू टेक डायरेक्ट एक्शन एंड बिकम मोर पार्टिसिपेटिव यही बोला जाता है कि वो डायरेक्ट एक्शन पे बिलीव करते हैं और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं गेल ऑमवेट इन हर बुक री इन्वेंटिंग रेवल्यून पॉइंट्स आउट दैट कंसर्नस अबाउट सोशल इक्वालिटी और अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स जो है कंटिन्यू टू बी द बंपॉटेंट एलिमेंट इन दीज मूवमेंट्स अब सोशल मूवमेंट्स होती ही इस वजह से क्योंकि कुछ ना कुछ सोसाइटी में केयर्स या कॉन्फ्लिक्ट किसी बात पे है तो वो गेल ऑमेट का कहना था वो क्या प्रॉब्लम्स है सोशल इनक्वालिटी और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो अभी भी अनईक्वल है जिससे सोसाइटी में इनक्वाल्टी क्रिएट हो जाती है इनको फीचर uh, के इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है काफ़ी फीचर्स पे क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मेनी ऑफ देर फीचर्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे ओल्ड सोशल मूवमेंट्स में तो इन नए सोशल मूवमेंट्स लाने का क्या तुक बनता है वो हमें नहीं पता है फर्दर मेनी ऑफ द सोशल मूवमेंट्स ने ख़ुद को इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया है जब वो खुद को इंस्टीट्यूशनाइज करना शुरू हो जाते हैं तो उनमें पॉलिटिक्स स्टेट इकनॉमी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस चीज़ से वो पहले दूर जा रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल पीटा ग्रीन पीस या गे लिब्रेशन फ्रंट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं मिलनेरियन मूवमेंट देखो मिलेनेरियन मूवमेंट क्या होता है जब सोसाइटी में कोई भी आ, कोई एक टर्मोइल या कोई आप बोलो कॉन्फ्लिक्ट या रैपिड चेंज आ जाता है किसी चीज की वजह से जिसमें जो पुराने नॉर्म्स वगैरह हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं ऐसे में जो मूवमेंट्स लॉन्च होती हैं वो जनरली अगर वो जनरली वो क्या होती हैं रिलीजियस वंस होती हैं वो कैसे हम एग्जाम्पल में बताएंगे पहले आपको क्या याद रखना है जब वो वो ओरिजिनेट होती हैं इन टाइम्स ऑफ टर्मोइल या कोई रैपिड चेंज आ रही है जिससे डिसरप्शन हो रहा है ट्रेडिशनल नॉर्म्स का फॉर एग्जाम्पल प्लेग की सिचुएशन आ गई फिर माइन आ गया ड्रॉट आ गया ठीक है तो ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है एक टाइम का टाइप का क्रॉस और टर्मोइल जो है सोसाइटी में वो मच जाता है अब आप बोलोगे रिलीजियस वन कैसे होती हैं देखो हर रिलीजन में बात की गई है क्रिश्चियनिटी में कहते हैं क्राइस्ट जो है विल डिसेंड ऑन द अर्थ हिंदूज बोलते हैं विष्णु जो है वो रि इनकारनेट करेंगे एज अ सेवियर इन द फॉर्म ऑफ काल की इन कल युग टू एंड एन एविल ऑर्डर जो भी क्रिएट हो गया है सोसाइटी में जिससे ट्रेडिशनल नॉर्म्स डिसरप्ट हो गए हैं उसको खत्म करने के लिए कोई आएगा ठीक है रिलीजियस फिगर आएगा मुस्लिम्स बिलीव करते हैं ईसा सलाम या इमाम महदी जो है वो आएंगे वो जो ये आ, सारा यहाँ पे जो इविल मचा है सोसाइटी में उसको खत्म करने के लिए तो इन जो ये बिलीफ है रिलीजियस बिलीफ है कि कोई आएगा कोई एक मसीहा आएगा जो ये इविल ऑर्डर को खत्म करेगा उसको हम मिलेनेरियन मूवमेंट बोलते हैं तो वो कोई मसीहा आ रहा है वो आ ही इसलिए रहा है क्योंकि जो टर्म और चेंज हो रही है सोसाइटी में उसको खत्म करने के लिए एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोफेटिक इवेंट्स

आने वाली ऐसी चेंजेस के लिए जिसका पहले बोला गया है कि सोसाइटी में ऐसी कोई चेंजेस आने वाली हैं जिसकी वजह से इन जो मसीहाओं का आना है वो बनता है ठीक है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं खुद को इन्हीं लाइंस पे इन्हीं आइडियोलॉजी पे ऑर्गेनाइज करती हैं डेविड एबरली ने कुछ कहा था सेंस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द इनसफिशियंसी ऑफ ऑर्डिनरी एक्शन इज द सोर्स ऑफ द मोर सुपर नेचुरली बेस्ड मिलेरियन मूवमेंट आप इसको सुपर नेचुरली बेस्ड कह सकते हो क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल एंगल आ गया जो अभी तक हमने नहीं देखा है क्राइस्ट को नहीं देखा है या हमने इमाम मेहदी को नहीं देखे लेकिन हम रहे हैं कि ये आएंगे फाइन तो इस वजह से ये सुपर ने 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 नेचरली बेस मिलेरियन ने 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 मूवमेंट कहा था गोल्स डांस, रिलीजन ऑफ टिटर्न ऑफ स्नोक्स ये हमने आप पहले भी ये बात कही है ठीक है तो ये क्या करते हैं बेसिकली अपनी बॉडी को म्यूटिलेट करते हैं और डांस करते हैं ठीक है ये सारी ऐसी सर्मनीज जो है वो परफॉर्म करते हैं उसको आप कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेट कर सकते हो मिलेर मूवमेंट से कार्गो कल्ट ऑफ साउथ पैसेफिक वगैरह कुछ एग्जाम्पल है मिलेनियर मूवमेंट की इंडिया के केस है बिरसा मुंडा जो है बिरसा मुंडा को क्या बोला गया था इनको काइंड kind ऑफ of एक जो सुपर नेचुरल फिगर ही से रिलेट किया गया था उन्होंने क्या कहा था जो ट्राइबल ये है ट्राइबल्स ये बिलीव करते थे जो मुंडा है ये एक डिवाइन सेवियर है जो उनको से

चेंज ऑफ सिस्टम जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन आएगा और अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा सिस्टम सारा चेंज हो जाएगा कैपिटलिस्टिक कैपिटलिज्म वगैरह वो खत्म हो जाएगा और आपका फाइनली क्या आएगा एक प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन जिसकी वजह से एक एडवांस वाली सोसाइटी आ जाएगी तो वो रेडिकल ओवरटोन्स होते हैं इसमें क्योंकि इसके आउटकम्स बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं सोशियो पॉलिटिकल फेयर में द टर्म रेवोलूशन जो है वो सिक्सटीन में इंग्लैंड में यूज किया गया था ठीक है ब्रॉडर सेंस में जब हम देखें इट मीनस ए रेडिकल चेंज एंड इट इज यूज इन मेनी सोशोलॉजिकल कंटेक्ट लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन नॉलेज रेवोल्यूशन सोशल रेवोल्यूशन आई टी रेवोल्यूशन में भी तो वहां पे आप यूज़ कर सकते हो अगर आप स्ट्रिक्टर सेंस में रेवोल्यूशन का मीनिंग देखो तो इसको एक पॉलिटिकल ऑर्डर को ओवरथ्रो करने के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज किया जाता है बाय मींस ऑफ मास पार्टिसिपेशन एंड इज ऑफन अकम्पनीड बाई वायलेंस एज वेल ठीक है जनरली ब्रॉडर सेंस में आप इसको देख सकते हो चेंजेस ये किस किस एरिया में इतनी बड़ी चेंजेस आई हैं जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया एग्रीकल्चर फील्ड में सोशल रेवोल्यूशन सोसाइटी में नॉलेज रेवोल्यूशन नॉलेज के फील्ड में ठीक है लेकिन स्ट्रिक्टर सेंस में इसको पॉलिटिकल फील्ड में पॉलिटिकल ऑर्डर की चेंजेस से ही रिलेट करके देखते हो तो ये हो गया थोड़ा इसका रेवोल्यूशन का अब इसके टाइप देखते हैं रेवोल्यूशन जो है दे आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंड डिजायरेबल होम ह्यूमन वैल्यूज लाइक इमानिसपेशन लिबरेशन इक्वालिटी फ्रीडम वगैरह इमानिसपेशन इज योर फ्रीडम ठीक है ये रिवाइवलिस्ट हो सकते हैं और रिफॉर्मेटरी इन स्पिरिट एज वेल दैट मीन्स पुराना ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए एंड रिवाइव करने के लिए पुराना ऑर्डर या कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए लेकिन ये कंजर्वेटरी नहीं होते हैं इन स्पिरिट कंजर्वेटरी होता है एग्जिस्टिंग स्टेटस को मेनटेन करना

अमेरिकन रेवल्यूशनरी मूवमेंट स्लेवरी के लिए आया था सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हुई थी और रेडिकल रेवल्यूशनरी मूवमेंट जैसे फ्रेंच रेवल्यूशन फ्रेंच रेवल्यून में क्या था इक्वालिटी लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट जो बाद में काफी कंट्रीज ने हमने भी अडॉप्ट किया बोल्शेविक रेवोल्यूशन जैसे कम्युनिज्म जो है वो आ गया था प्ले में कम्युनिज्म गवर्मेंट सेटअप हुई थी बाई व्लाडिमर लेनिन ठीक है तो आगे देखते हैं रेवोल्यूशन को आप फर्दर क्लासिफाई करते हो उनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे भी जैसे मार्क्स ने कहा था रेवोल्यूशन जो है पुट करेगा एंड टू द क्लास स्ट्रगल फॉर एबरले रेवोल्यूशन जो है इज वन ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट जो हमने पहले डिस्कस कर ली है आगे देखते हैं कंडीशंस क्या होती है राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की एक डिसकंटेंट होना चाहिए तभी तो रेवोल्यूशन होगा क्योंकि कोई चीज हो रही है एक पॉलिटिकल मूवमेंट्स होनी चाहिए विद एलिट पार्ट पार्टिसिपेशन ठीक है स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइंग मोटिवेशन होने चाहिए अक्रॉस द मेजर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एक मोटिव मोटिवेशन होना जरूरी है सोशल या कोई भी रेवोल्यूशन लाने के लिए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल क्राइसिस होना चाहिए और जिस क्राइसिस को उसका स्टेट सॉल्व ना कर पाए तो लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो देखना शुरू हो जाते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट होना चाहिए बाकी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स का भी और एट लास्ट लैक ऑफ इंटरफियरेंस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट या एक्सटर्नल सपोर्ट हो या स्टेट जो है उसमें इंटरफेयर करके उसको वो रिप्रेस करने की कोशिश ना करें फाइन यहाँ पे सोशल मूवमेंट और रेवोल्यूशन की कुछ डिफरेंसेस बताई हैं कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है सोशल मूवमेंट और ये रेटिकल चेंज लाने के लिए होता है सोशल मूवमेंट जो है इज लॉन्ग ड्रॉन सस्टेन्ड होती है और ये एब्रप्ट होती है थ्रू ऑर्गेनाइज बट इट इज स्वई जेनरिस्ट स्वे जेनरिस का मतलब ये यूनिक होती है ठीक है यूनिक होती है ऑल्दो ये इन नेचर है दो ये ऑर्गेनाइज भी होती है लेकिन इसमें एक यूनिकनेस भी होती है दैट मीन ये किसी कैटेगरी किसी क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है Forms of to violence, इसमें सब कुछ यूज होता है ये यूजुअली वायलेंट होती है बट कैन बी नॉन वायलेंट टू ये ब्रॉडर टर्म है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट ही है ये चेंज इन सिस्टम लाता है और इस सिस्टम को चेंज करने की बात करता है सोशल मूवमेंट uh, की एग्जाम्पल आ गया आपकी प्रेजेंट इन इंडिया ठीक है और रेवोल्यूशन जैसे अरब स्प्रिंग टूनिजिया में या फ्रेंच रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन ठीक है तो दिस कंप्लीट तो चैप्टर नंबर सेवन अब हमारे बस दैट मीन्स हमारा ऑलमोस्ट एटी फाइव परसेंट सिलेबस जो है वो कवर हो गया है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलीजन एंड सोसाइटी सो तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे